F5 डे वन में हमने क्या सीखा था, बेसिकली वाई वी यूज F5 है ना, विदाउट F5 के नेटवर्क कैसे होता है, आफ्टर F5 कैसे होता है। फिर मैंने डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन सिखाई थी, तो जब मैं डिवाइस आइडेंटिफिकेशन सिखा रहा था तो मैंने ऐसे ही कुछ डिवाइस दिखाया था आपको, याद है? यही डिवाइस दिखाया था, फ्रंट पैनल उसका दिखाया था, फिर बैक पैनल दिखाया था। तो दोबारा से मैं यही दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ थोड़े से एडवांस फीचर की बात करूंगा। यह आपका एक और F5 डिवाइस है, इसमें हमने पहले ही सारे पोर्ट के कौन कौन से पोर्ट होते हैं वो सब बात कर ली थी। अब ये फ्रंट पैनल था, अब मुझे बैक पैनल भी दिखाना है आपको F5 का। F5 के पास बैक पैनल कुछ ऐसा होता है, दिख रहा है आप लोगों को ये F5 का क्या है, बैक पैनल। तो इसका भी एक स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, ये इसका बैक पैनल है। पहले फ्रंट पैनल का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो। ये फ्रंट पैनल में फर्स्ट वाला कौन सा पोर्ट बताया था, मैनेजमेंट। सेकंड वाला कौन सा था आपका, यूएसबी। थर्ड वाला कौन सा पोर्ट था आपका, कंसोल, दिख रहा है। फोर्थ वाले में फेल ओवर पोर्ट, ठीक है। ये वाले पोर्ट आपके कौन से है, लैन और वैन, दोनों में काम कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल पोर्ट दे रखे हैं एसएफपी वाले, फाइबर केबल्स के लिए। ये आपका क्या है, फिफ्थ नंबर पे क्या है, इंडिकेटर से आपके। सिक्स नंबर पे क्या है, एलईडी पैनल है आपका। सेवन नंबर पे क्या है, कंट्रोल बटन है आपके। और नाइन नंबर पे क्या है आपका, सीरियल नंबर। क्लियर है ये वाला संजय जी, सनी जी, क्लियर है ये वाला? चलो अब बैक पैनल की बात समझो। बैक पैनल आप लोग देख रहे होंगे, इसका थोड़ा सा एडवांस है। ये पहला वाला जो बैक पैनल है, इसमें क्या है, सिंगल पावर सप्लाई है। क्या दे रखी है हमने, सिंगल पावर सप्लाई। सिंगल पावर सप्लाई का मतलब बता सकते हो आप लोग क्या होता है, सिंगल पावर मतलब सप्लाई? हाँ जी, मतलब एक ही फीड से पावर सप्लाई आ रही है, एक एक ही ही है, मतलब दूसरे। अगर ये हाँ जी, डाउन पूरा हो गया तो सिंगल तो पॉइंट ऑफ पूरा फेलियर आ जाएगा। पूरा पावर लेकिन डाउन हो यहाँ जाएगा। पर एक्स्ट्रा स्लॉट भी दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स्ट्रा स्लॉट। भाई देखो, डिपेंड करता है मॉडल नंबर पे आपने कौन सी सीरीज का F5 ले रखा है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो ये 5000 सीरीज का है, लेकिन ये जो 7000 सीरीज का है, इस पे कितनी पावर सप्लाई है हमारे पास? आई थिंक 5000 में भी उन्होंने वो लगाया हुआ है, देयर इज ए स्लॉट लेकिन बट वहां पर द कोई प्लग इन मॉड्यूल। करके नहीं दिया, लेकिन 7000 पे मॉड्यूल, प्लग इन होके आता है हमेशा। हाँ जी, हाँ जी, उसमें मॉड्यूल लगा सकते हैं। हाँ यहाँ पर ऐड कर सकते हो, लेकिन ऐड करके जी, ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर राइट। ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है, दिख रहा है आपको। एक और यहाँ पर ये फिफ्थ नंबर पे यहाँ पर दे रखा है, आपने कभी देखा है ग्राउंड का कनेक्शन क्या होता है, ग्राउंड, अर्थिंग नहीं आने के लिए। डिवाइसेस को रैक में लगाते हो तो करंट लगने के चांसेस होते हैं, तो ग्राउंड के लिए होता है। ये आपके क्या है, फैन से, फैन पोर्ट, फैन, यहाँ से कूलिंग फैन चलते हैं। अब बेसिकली फ्रंट पैनल और बैक पैनल के बाद आता है इंडिकेटर्स। F5 पे कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, तो आप ये देखो F5 डिवाइस जब आप फ्रंट से देखोगे फिजिकली बॉक्स को, तो आपको कुछ ऐसे इंडिकेटर्स दिखेंगे। दिख रहे हैं आप लोगों को कौन कौन से इंडिकेटर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर F5 पे? एक स्टेटस का है, दिख रहा है, स्टेटस, अलार्म, पावर वन और पावर टू। पावर वन और पावर टू के बारे में कोई बता सकता है किस लिए यूज हुआ था? अभी मैंने दिखाया भी था, रिडंडेंसी बनाई थी आप पावर लोगों ने, क्या बनाई थी? सप्लाई, हाँ, रिडंडेंसी, कि एक पावर या सप्लाई बंद हो जाए तो दूसरी पावर सप्लाई को क्या कर सकते हो आप लोग, ऑटोमेटिकली फेल ओवर, मतलब हाँ, ऑटोमेटिकली क्या हो हाँ जाएगी, रिडंडेंसी बना रख के एक डाउन होते दूसरी यूज कर सकते हो। लेकिन ये स्टेटस कोड क्या होते हैं, ये किस लिए यूज होते हैं, ये इंडिकेटर किस लिए यूज करते हैं? बेसिकली ये तो आपका क्या है, एलईडी पैनल। यहाँ पर लिखा रहा है पावर अवेलेबल है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब कि एक और डिवाइस है मेरा जो पीयर में कनेक्टेड है, वो शायद एक्टिव होगा, ये सुनो, तभी मैं क्या बनाऊ उसके लिए स्टैंड बाय। दो डिवाइस की पेयरिंग हो रखी है। अब पहले हम बात करते हैं स्टेटस वाले इंडिकेटर की, कि स्टेटस वाला इंडिकेटर क्या करता है काम। बेसिकली F5 को जो है ना आप ट्रबल शूट बहुत तरीके से कर सकते हो, जैसे लॉक्स देख के, लॉक्स कलेक्ट करके, या आप इंडिकेटर के बेसिस पे भी काम कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ स्टेटस वाला जो इंडिकेटर होता है, इसमें कौन कौन सी लाइट्स होती हैं, कैसे ये काम करता है, बेसिकली सपोज कर लो कि अगर इंडिकेटर में कोई लाइट ही नहीं आ रही है स्टेटस वाले में,
या मैं लिख दूं यहाँ पे जैसे नो लाइट, नो लाइट का मतलब कोई ऑप्शन ब्लिंक ही नहीं कर रहा है, बंद पड़ा हुआ है बिल्कुल। नो लाइट का मतलब ऑफ है डिवाइस, क्या होता है डिवाइस, क्या होता है ऑफ, डिवाइस हेल्टेड, हेल्टेड है और पावर डाउन हो सकती है अगर कोई लाइट नहीं चल रही। दूसरा, दूसरी एक लाइट इसमें दिखती है स्टेटस वाले इंडिकेटर में, कलर आता है ग्रीन कलर की, कौन सी वाली लाइट दिख सकती है आपको, ग्रीन कलर की। अगर आपके इंडिकेटर में ग्रीन सॉलिड कलर की लाइट दिख रही है स्टेटस वाले में, ग्रीन सॉलिड कलर की लाइट, दैट मींस कि डिवाइस में पावर ऑन है, डिवाइस पावर ऑन एंड नॉर्मल स्टेट, वो कैसे काम कर रहा है आपका नॉर्मल स्टेट में, कोई इशू नहीं है। अगर आपको तीसरी कोई इंडिकेटर दिख रहा है जैसे आपको येलो लाइट, कौन सी वाली लाइट दिख रही है यहाँ पर, येलो लाइट दिख रही है स्टेटस वाले इंडिकेटर में, इस वाले में येलो लाइट, दैट मींस अ डिवाइस नॉट एक्टिव। डिवाइस क्या नहीं है भैया आपका, एक्टिव नहीं है, शायद ये आपने देखा भी होगा, ये क्या बना हुआ है अभी आपके लिए, क्या बना हुआ है स्टैंड बाय, इसलिए डिवाइस नॉट एक्टिव विद पीयर डिवाइस। पीयर डिवाइस का मतलब बता सकते हो, पीयर डिवाइस का मतलब क्या होता है, नेबर बोल सकते हैं पीयर को, यस और नो, बिल्कुल। अब अगर मैं आपको बोलूं येलो लाइट कंटिन्यूअसली ब्लिंक कर रही है, अभी तो स्टेबल थी तो आपने एक्टिव नहीं थे इसलिए बताया, अगर येलो लाइट आपकी कंटिन्यू ब्लिंकिंग कर रही है, येलो लाइट मैं यहां पर लिख देता हूं ब्लिंकिंग, अगर आपके स्टेटस वाले इंडिकेटर में येलो लाइट कंटिन्यूअसली ब्लिंकिंग कर रही है तो क्या हो सकता है, हार्डवेयर इश्यूज, क्या हो सकते हैं आपके हार्डवेयर इश्यूज। ये था आपका स्टेटस का। एक और इंडिकेटर होता है आपके पास, दूसरा इंडिकेटर कौन सा है, पढ़िए आप लोग, दूसरा इंडिकेटर कौन सा होता है आपका, अलार्म। आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल है आई थिंक, आप लोगों ने एसएनएमपी का नाम सुना है कभी, संजय जी, सनी जी, एसएनएमपी का नाम सुना है, हाँ जी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर ऑल मॉनिटरिंग ऑल द डिवाइसेस, बिल्कुल। तो वहाँ पर अलार्म्स होते हैं जब सिग्नलाइजेशन बढ़ जाता है या घटता है, तो देखो अगर अलार्म वाले इंडिकेटर में आपको क्या दिख रहा है, कुछ लाइट ही नहीं दिख रही, यानी नो लाइट लिख लो या लिख लो उसको ऑफ हो रखा है ना, तो वो क्या होगा, उसके लिए क्या लिखोगे आप, नो अलार्म प्रेजेंट, कोई अलार्म सेट कर रखा है आपने, नहीं, नो अलार्म प्रेजेंट। लेकिन याद रखना एक पॉइंट, अगर अलार्म वाले उसमें बॉक्स में इंडिकेटर में अगर आपको दूसरा लाइट दिख रहा है, कौन सा, रेड कलर की, कौन सी दिख रही है, रेड सॉलिड कलर की लाइट ब्लिंक कर रही है, दैट मींस इमरजेंसी, क्या बोलोगे उसको, इमरजेंसी, कि सिस्टम में क्या हो सकती है, कोई प्रॉब्लम, सिस्टम इज नॉट ऑपरेटिंग। तीसरा एक इंडिकेटर आता है इसी के अंदर, अलार्म के अंदर एक और लाइट ब्लिंक कर सकती है, एक और लाइट देख सकती है आपको, येलो, कौन सी वाली, येलो सॉलिड कलर की लाइट, अगर येलो सॉलिड कलर की लाइट दिख रही है इसका मतलब होता है सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपरली, क्लियर, बट कंडीशन इज नॉट दैट मच, कि ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कुछ छोटे से अलार्म्स आए हैं जिसमें जैसे हो सकता है इंटरफेस पे बफर मेमोरी का बता रहा हो, बैंडविड्थ का बता रहा हो, सीपीयू यूटिलाइजेशन का, लेकिन सिस्टम वर्क कर रहा है, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ रहा हो घट रहा हो, तो उसके लिए दे सकता है। एक होता है आपके पास इंडिकेटर पावर वन और पावर टू का, ये इंडिकेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रियल टाइम में ट्रबल शूट करते हैं कई बार और इंजीनियर इसमें फंस जाते हैं। अगर आपके पावर वन या पावर टू पे क्या लिखा रहा है, नो लाइट, या हो रखी है ऑफ दिखा रहा है, That means, क्या बोलोगे वहां पर, पावर क्या हो रखी है वहां पर आपकी, डाउन। अगर दूसरा इंडिकेटर आपको दिख रहा है, जैसे अभी आपको कौन कौन से कलर की लाइट दिखाई मैंने, रेड येलो ग्रीन, यही लाइट्स की हमने बात करी, पावर वन और पावर टू में अगर लाइट नहीं आ रही तो पावर नहीं है। अगर आपको ग्रीन सॉलिड कलर की लाइट दिख रही है, कौन सी दिख रही है उसमें इंडिकेटर के अंदर लाइट जलती हुई, ग्रीन लाइट दिख रही है सॉलिड कलर वाली, दैट मीन्स पावर क्या हो रखी है,
प्रेजेंट है, क्लियर है, एंड डिवाइस वर्किंग प्रॉपरली। तीसरा इंडिकेटर क्या जल सकता है इसमें, लाइट जो आती है येलो कलर की, कौन सी वाली, येलो लाइट, यहां पे लिख देता हूं येलो सॉलिड। येलो सॉलिड वाली का मतलब क्या होता है, पावर इज प्रेजेंट बट डिवाइस नॉट वर्क, कि डिवाइस वर्क नहीं कर रहा है। देखो आप लोग यहां पर पावर वन में कौन सी लाइट दिख रही है आप लोगों को बताना। संजय जी, सैनी जी, पावर वन में कौन सी लाइट दिख रही है? लुक्स लाइक ग्रीन। ग्रीन, बहुत बढ़िया। पावर टू में कोई लाइट ही नहीं है, यानी पावर केबल कनेक्ट ही नहीं है, ये सुनो। दूसरी बात, ऐसे कुछ इंडिकेटर्स आपको मिलने वाले रियल टाइम में, ट्रबल शूट करते टाइम मिलते हैं। अब बेसिकली मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाना पड़ेगा, क्या बेसिकली इसकी लैब सेटअप कैसे करनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका बेसिक फंडामेंटल्स थे जो मुझे F5 के बताने थे। एक और बात लिख सकते हो आप, बाय डिफॉल्ट F5 बॉक्स मैनेजमेंट इंटरफेस IPS 192.168.1.245 क्या होती है, IP 192.168.1.245 बाय डिफॉल्ट होती है। एक और बात, बाय डिफॉल्ट F5 बॉक्स CLI यूजर नेम इज, क्या रखते हैं वहां पे यूजर नेम उसका रूट, और पासवर्ड क्या होता है उसका यूजर नेम के बाद, पासवर्ड क्या लिख रखा भाई, डिफॉल्ट, ये कौन सा है, CLI का। एक और बात, बाय डिफॉल्ट F5 बॉक्स GUI यूजर नेम इज एडमिन एंड पासवर्ड इज एडमिन, याद रहेगा आप लोगों को GUI और CLI का केस। दूसरी बात, F5 का जो भी आप लैब सेटअप करोगे, जो लैब सेटअप करोगे उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट होनी चाहिए। पहला आपके रिक्वायरमेंट, आपके पास VMware होना चाहिए अबाउ 15 वर्जन, इससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है भाई। दूसरी बात, आपके पास विंडोज 7 विंडो 10 का एक PC होना चाहिए या विंडो XP, ठीक है। इसको हम एक्ट कराएंगे एज ए वेब सर्वर और FTP सर्वर, ठीक है भाई। तीसरी बात, वायर शार्क इंस्टॉल होना चाहिए आपका फॉर पैकेट कैप्चरिंग, किसके लिए होता है ये वाला टूल, पैकेट कैप्चर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, आपके पास F5 बॉक्स का VDisk फाइल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए आपके पास, वर्चुअल डिस्क फाइल होनी चाहिए, और वो भी कौन से फॉर्मेट में होनी चाहिए, OVF ओपन वर्चुअल फाइल। नेक्स्ट पॉइंट, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, क्या होगी, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट, और किसके लिए होगी, सिर्फ LTM मॉड्यूल के लिए, याद रहेगा। तो देखो जो मैं आपके साथ गूगल ड्राइव शेयर करने वाला हूँ उस गूगल ड्राइव में सारे ऑप्शंस पहले से डाल रखे हमने, सारे सॉफ्टवेयर है, देखो आप लोग सॉफ्टवेयर F5 स्टडी मटेरियल दिख रहा है, तो देखो विंडोज 7 भी डाल रखी है मैंने यहाँ पे, दिख रही है आप लोगों को, VMware भी इंस्टॉल कर सकते हो आप यहाँ से, और वायरशार्क भी है, और बिग IP 15.1.0.2 ये स्टेबल वर्जन है इसका, मेरे पास इसकी OVF फाइल पड़ी हुई है, OVF फाइल, ये OVA, मैं OVF की बात कर रहा हूँ, OVA और OVF में डिफरेंस होता है, OVA का साइज ज्यादा होता है, OVF का कम होता है, कंप्रेस फाइल होती है, तो OVA फाइल आपको यहाँ से डाउनलोड करनी है। बेसिकली मेरे VMware में फिर मैं कैसे काम करूंगा इसके साथ, अगर सपोज करो आपने VMware इंस्टॉल कर लिया है तो कैसे करोगे,
दिखा देता हूँ आपको, वेट करो। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, जैसे आपने एक फोल्डर बनाना है अपना, राइट क्लिक करके मैंने लिख दिया भाई F5 बैच 11-12, ये वाला बैच है। राइट क्लिक करके ओपन करा और मेरे पास F5 का सेटअप रखा है, वो डाउनलोड कर, वो उसको ओपन करना है। तो मेरे पास सॉन्ग PDF सिस्को F5 LTM डेस्कटॉप डेटा, और बैक कर लो यहाँ से लैब सेटअप फाइल, ये दिख रहा है VMware फाइल दिख रही है भाई, कौन सी फाइल है ये, ओपन वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट दिख रहा है OVF, इसको ओपन करना है डबल क्लिक करके, ओपन हो गया मेरे पास, वेट करो, एक्सेप्ट करा, नेक्स्ट करा। डिवाइस का नेम क्या रखूंगा, मैंने बोला भाई बिग IP F5 1, ठीक है भाई, पाथ दे देना है, नेक्स्ट करना है। ये बोल रहा है द पाथ वर्चुअलाइज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो मैं यहाँ पर बिग IP 1 कर सकता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना बहुत सारे डिवाइस, नेक्स्ट करा। इसको CPU और RAM कितनी एलोकेट करनी है वो बतानी है, इम्पोर्ट वेट करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करने के बाद आपको, आप लोगों के पास VMware है, संजय जी सैनी जी VMware है भाई आप लोगों के पास? नहीं है। हेलो, डाउनलोड कर लेना, ठीक है सर। ये वर्कस्टेशन आप शेयर कर रहे हो ना? की नहीं शेयर करूंगा भाई, की आपको अपने आप देंगे, की आपको अपने आप देखनी पड़ेगी। आपने शेयर कर दिया अक्षय? अभी नहीं, नहीं अभी करूंगा, अभी नहीं। ओके राइट, ये आ गया बिग आईपी वन, इसको ड्रैग करके F5 11-12 में डाल दिया। चल इंपोर्ट हो गया, एक विंडो 7 ले लो, ओपन, ये विंडो 7 है, इसको ओपन कर लो। इसको मैं बोल देता हूं ये मेरे लिए क्या बनेगा भाई, ये बनेगा मेरे लिए सर्वर 1 इंपोर्ट। ये सर्वर क्या है? विंडोज क्लाइंट है राइट? ये विंडोज मशीन है, इस पे हम वेब सर्विस ऑन करने वाले हैं, बस नॉर्मल विंडो है, इस पे वेब सर्विस इनेबल होगी बस, और FTP। और GUI को एक्सेस करने के लिए क्लाइंट भी लगेगा हमें राइट? हाँ जी, और LTM का GUI एक्सेस करने के लिए एक क्लाइंट भी चाहिए हमें ना? तो मेरा लैपटॉप है ना, मैं अपने ब्राउज़र में एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा सेम सबनेट में, ओके। बिल्कुल। डन, सर्वर पर आ गया। इसको आप क्लाइंट भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको रीनेम कर दो, जैसे आपने बोला भाई ये क्लाइंट है एग्जांपल के लिए, इसको आप अपने फोल्डर में रख लो। एक बिग आईपी हो गया, एक क्लाइंट हो गया जो बाहर से ट्रैफिक भेजेगा, बिग आईपी वन। इंपोर्ट होने के बाद आपको अब सीखने पड़ेंगे मुझसे F5 के कंपोनेंट्स। बेसिकली जो F5 डिवाइस है आपका, इस पे कुछ इंटरफेसेस होते हैं। कौन कौन से इंटरफेसेस होते हैं उनकी बात समझो, ये हर F5 पे मिलेंगे आपको। पहला होता है E0। E0 को क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा इंटरफेस होता है? मैनेजमेंट 1.1।
इसको हम क्या रखते हैं, इंटरनल में भी काम कर सकते हो। 1.2 हमारा क्या रहता है, एक्सटर्नल। 1.3 क्या रहता है मेरा, एचए। एचए का मतलब समझते हैं आप लोग, एचए कौन सा पोर्ट था आप लोगों के लिए, हाई अवेलेबिलिटी, यानी उसको आप क्या बोल सकते हो, ये एक कैसा पोर्ट होता है, फेल ओवर। कैसा पोर्ट होता है आपके पास, फेल ओवर पोर्ट। क्लियर है? तो आप फेल ओवर के लिए भी आप एक पोर्ट यूज कर सकते हो। लेकिन याद रखना, रियल टाइम में डिप्लॉयमेंट से पहले इंटरफेसेस को वेरीफाई करना मैंडेटरी बोला गया है। क्लियर है? F5 को डिप्लॉय करने से पहले इंटरफेस को मैंडेटरी बोला गया। अब ये इंटरफेस कैसे मिलेंगे, जैसे आपने बिग आईपी F5 को इंपोर्ट करा था अपने पास, दिख रहा है ये वाला बिग आईपी 1, राइट क्लिक करो, सेटिंग्स में जाओ, तो यहां पर देखो कितने नेटवर्क अडेप्टर आ रहे भैया आपके पास, 1, 2, 3 और 4 दिख रहे। तो मैं E0, ये पहला अडेप्टर है E0 मैनेजमेंट, फिर दूसरा इंटरनल, ये एक्सटर्नल HA4 दिख रहा है, मैनेजमेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल और ये कौन सा है, HA4। क्लियर है? तो चार पोर्ट्स होते हैं आपके पास, इन चारों पोर्ट्स को मैप करेंगे। तो बेसिकली क्या है, मुझे E0 बाय और मैनेजमेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल सभी के लिए अलग अलग नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं क्या बता रहा हूं आपको, जो मैनेजमेंट वाला है उसके लिए मैं नेटवर्क यूज कर रहा हूँ 192.168.1.0/24, क्योंकि 1.245 इसी नेटवर्क से आईपी मिल जाएगी। ये सुन लो, इंटरनल के लिए मैं एक नेटवर्क यूज कर रहा हूँ 192.168.20.0/value, कितनी रख दी 24, इसी में मेरे सर्वर्स निकल जाएंगे F5 का इंटरनल इंटरफेस को आईपी। एक्सटर्नल वाले के लिए क्या रखना है, एक्सटर्नल वाले के लिए आप लोग रख रहे हो 192.168.30.0/value, कितनी रख दी आप लोगों ने 24। ये किसके लिए रखेंगे, आउटसाइड यानी पब्लिकली जो सर्वर को एक्सेस करेंगे। HA वाले के लिए आप सेपरेटली नेटवर्क बना के रखना, अभी से याद रखो 192.168.40.0/value 24। अब इतने सारे नेटवर्क्स बनाने के लिए VMware पे क्या करना पड़ेगा, फिर आपको VMware में बाय डिफॉल्ट दो ही इंटरफेस मिलते हैं। तो VMware पे एक ऑप्शन होता है, एडिट में जाना और वर्चुअल नेटवर्क एडिटर में जाना, यहां पर आप मल्टीपल अडेप्टर्स को ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने 10, 11, 12, 13 दिख रहे हैं, एक मैनेजमेंट, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल और एक HA, तो आप ऐसे बना सकते हो। कैसे बनेगा, चेंज सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑप्शन आएगा यस और नो का, यस पे क्लिक करना है और फिर यहां से आप ऐड नेटवर्क अडेप्टर करना है, कौन से नंबर का अडेप्टर बनाना है वो लिख लो। फॉर एग्जांपल मैंने बनाया 19 नंबर, ओके करा। एग्जांपल के लिए एक बना के दिखा रहा हूं, ये बन गया 19, इस पे क्लिक करा और मैंने इसको बोला भाई इस पे चलेगा 15 डॉट का नेटवर्क, कितना चलेगा 15 डॉट, अप्लाई करना है, ओके नहीं करना, अप्लाई करना है, फिर एक और अडेप्टर ऐड कर लेना हैंड टू हैंड, ओके करोगे तो सेव होके एग्जिट हो जाएगा। वेट करो, बन गया, ओके कर दो। अब अपने नेटवर्क सेटिंग में जाओ, ncpa.cpl और यहां पर देखो VM 10, 11, 12, 13 तो बनाई था, 19 भी दिख रहा है, 19 पे डबल क्लिक करो। कौन सी आईपी मिल रही है यहां पर संजय जी, सैनी जी, कौन सी आईपी है, 50.1, the one we signed there। बन गया ना अडेप्टर, इसको रिमूव करना चाहते हो रिमूव भी हो जाए। कैसे होगा रिमूव, एडिट, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर और VM 19 पे क्लिक करना, कभी भी 1 और 8 को कोई चेंज नहीं करना है, क्या रखना है 19 पे जाना, चेंज सेटिंग क्लिक ऑन यस, वेट करो, अभी रिमूव का ऑप्शन आएगा, VM 19 पे जाओ और इसे क्या कर दो, रिमूव, ओके कर दो, डन। बेसिकली मैं आपको अब F5 का कौन सा डिजाइन सिखाने वाला हूं जो डिप्लॉयमेंट के लिए होगा, हम इस डिजाइन पे काम करें, दिख रहा है आप लोगों को ये वाला डिजाइन,
विजिबल है? या चलो तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि इस पर हम बात कर पाए कैसे इसको डिप्लॉय करना है. So actually all these IP addresses was assigned by the VM or is it by the router? VM. Basically मेरे पास क्या डिजाइन चल रहा है, एक VMware है जिसपे मैंने F5 को डिप्लॉय कर रखा है सर्वर्स को और क्लाइंट को, दिख रहा है? Right. इसी वर्चुअल सर्वर पे मैंने तीन अडेप्टर बना रखे 10, 11, 12 वाले, 10, 11 और 12, दिख रहा है? तो पहले से मेरे सभी अडेप्टर्स पे IP.1IVA.1IVA.1, ठीक है? F5 का इंटरनल इंटरफेस जहां पर मैं आईपी दे रहा हूँ 20.22, दिख रही है यहाँ पर आईपी दे रखी है? या और तीन वेब सर्वर ले रहा हूँ, एक पे आईपी आएगी 20.10, 20.20, 20.30. 80 की सर्विस का मतलब HTTP के लिए काम करें, मैं इन पे 21 भी इनेबल कर सकता हूँ. 21 का मतलब FTP की भी सर्विस इनेबल होगी, ठीक है? अब ये सब मेरे इस नेटवर्क में आ गए. अब बेसिकली F5 का एक इंटरफेस मैं कहां पर रख रहा हूँ, एक्सटर्नल यानी पब्लिकली, वो 30.10 के नेटवर्क, ये 30.10 आईपी है, 30.0 का नेटवर्क हम यूज करें तो इस इंटरफेस की आईपी ये रही, जैसे इसके इंटरफेस की आईपी है. अब ये जो है ना इंटरनेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, एक्चुअली ये VM अडेप्टर है, ये VM है, VM के अंदर ये सेटिंग्स होती है बाय डिफॉल्ट, और हमने उसको एक क्लाइंट को अटैच कर रखा है जो किस अडेप्टर का मेंबर होगा, VM 12 का, जो कौन सा है, पब्लिक वाला. और इस क्लाइंट को आईपी दे दूंगा मैं फॉर एग्जांपल 30.5. तो अब जब भी ये F5 को एक्सेस करेगा तो F5 इसे तीन सर्वर्स पे ट्रैफिक को क्या कर देगा, लोड को ट्रांसफर. राइट, गॉट इट. तो यही वाले हमें डिप्लॉयमेंट करनी है पूरी की पूरी, इसी पे हम पूरा LTM सीखने वाले हैं. क्लियर है? चलो दूसरी बात, F5 के कंपोनेंट पढ़ाऊंगा मैं आपको. F5 के कंपोनेंट कौन कौन से पढ़ने वो याद रख लो आप लोग. F5 में सबसे पहले कंपोनेंट सीखोगे VLAN का कॉन्सेप्ट, दूसरा इंटरफेसेस का, तीसरा आईपी एड्रेस कैसे साइन होती है, ठीक है? फोर्थ ऑप्शन आपको सीखने को मिलेगा मुझसे, नोड क्या होता है. फिफ्थ ऑप्शन पुल क्या होता है. सिक्स्थ ऑप्शन पुल मेंबर्स क्या होते हैं. सेवेंथ ऑप्शन वर्चुअल सर्वर क्या होता है, VS. एट नंबर मॉनिटर्स क्या होते हैं. नाइन नंबर प्रोफाइल क्या होती है. टेन नंबर लोड बैलेंसिंग कैसे परफॉर्म होती है, उसके बारे में बात करूंगा. 11 नंबर नेट ट्रांसलेशन कैसे काम करता है. 12 नंबर SSL प्रोफाइल कैसे काम करती है. 13 नंबर परसिस्टेंस प्रोफाइल कैसे काम करती है, परसिस्टेंस. 14 नंबर कुकीज के बारे में बात करूंगा. 15 नंबर HA का कॉन्सेप्ट याद कर लेंगे हम लोग. 16 नंबर बैकअप का काम करेंगे, बैकअप कैसे लेते हैं, ठीक है? 17 नंबर GUI और CLI की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी. 18 नंबर में आपको टी शूट सिखा दूंगा. 19 नंबर में आपको TCP डम सिखाऊंगा. 20 नंबर में आपको एक QK व्यू का ऑप्शन आएगा. 21 में पैकेट फिल्टरिंग आ जाएगा. तो कुछ ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हम बात करने वाले हैं, याद रहेगा? बताएं, क्लियर है इतने पॉइंट्स? आवाज आ रही है आप लोगों को? तो कल से हम F5 की डिप्लॉयमेंट सीखेंगे. आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों को सारे टूल इंस्टॉल डाउनलोड करके रखने, इंस्टॉल में कराऊंगा, ठीक है भाई? आप सभी को क्या करके रखने, डाउनलोड करके रखने, इंस्टॉल में कराऊंगा, याद रहेगा संजय जी? चलो आप लोग मुझे एक हाई मैसेज भेज दो ग्रुप में और मैं आपको ये स्टडी मटेरियल शेयर कर दूंगा, ठीक है? क्लास इतनी थी, आज आपको सिर्फ डाउनलोड करके रखना है सारा.